सिंह ने खास बातचीत के दौरान बोनी कपूर ने क्या कुछ कहा सुनिए। और इस वक्त मेरे साथ फिल्मेकर बोनी कपूर जी जुड़ चुके हैं। सर, जीबीसी 4.0 का आगाज होने वाला है और देखा जाए तो आप भी फिल्म सिटी में निवेश करने वाले हैं, क्या देख रहे हैं आगे का फ्यूचर? जबरदस्त फ्यूचर देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनेगी एंड बिसाइड्स फिल्म सिटी देयर आर मेनी अदर डेवलपमेंट हैपनिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म सिटी कम अलाइव व्हिच विल हैपन वेरी सून। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मोटिवेशनल टॉक है मेक इन इंडिया, वैसे हमारी योगी जी की कई ऐसे स्कीम्स है जो अच्छी तरह मतलब इम्प्लीमेंट हुई है, उनका भी एक ख्वाब है कि एक फिल्म नगरी इधर बने, फिल्म सिटी इधर बने। मेरा भी यह ख्वाब रहा है, हम दोनों के ये ख्वाब है। देखो दोनों मिलकर अभी क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी बनेगी। अदर सेक्टर में सर क्या आप देख रहे हैं भविष्य उत्तर प्रदेश? कौन से सेक्टर? अदर सेक्टर जो दूसरे क्षेत्र अभी आप सब देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मतलब यूपी में हर साल आता हूँ, बल्कि साल में कई बार दो तीन बार आता हूँ, हमेशा कोई ना कोई नई चीज दिखाई देती है एंड आई थिंक इट इज फास्ट प्रोग्रेसिंग टू बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट। तो देखिए इस वक्त मेरे साथ फिल्म मेकर बोनी कपूर जुड़े हुए थे। देखा जाए तो आज आगाज होने वाला है जीबीसी 4.0 का और जो तमाम डेलीगेट्स हैं, जो तमाम निवेशक हैं, वो इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि बोनी कपूर की बात की जाए तो बोनी कपूर भी जो नोएडा में फिल्म सिटी बनने वाली है उसमें काफी निवेश कर रहे हैं। देखा जाए तो ना सिर्फ एक क्षेत्र बल्कि तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में भारी निवेश आने वाला है और जाहिर सी बात है कि जीबीसी यूपी के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का